अब दोस्तों हम आपका तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ हर कलाकार की उतनी ही ज्यादा अहमियत होती है जितनी कला की, क्योंकि कलाकार ही होता है जो आने वाले कल को एक नया रंग रूप देता है, फिर चाहे वो कलाकार कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम पेंटिंग और स्कल्पचर बनाने वाले कोई आर्टिस्ट कहें। अरे भाई, आर्टिस्ट तो हर वो इंसान है जो अपने टैलेंट के बल पर कुछ अलग कर जाए, जैसे कि हमारे शेफ जो बेहद लजीज खाना बनाकर लोगों को अपना दीवाना बना लेते हैं, या फिर बार्बर जो अपने हाथों का जादू दिखाकर इंसान को नया लुक दे देते हैं, क्योंकि आप जो इतने हैंडसम लगते हो उन्हीं के हाथों का जादू है। इसलिए आज हम आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन बार्बर से मिलवाने वाले हैं, जिनके हाथों का जादू देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। अगर हम आपसे पूछें कि एक बार्बर को बाल काटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए, तो हमें पता है आप बहुत ही इजीली ये बता देंगे कि उन्हें क्या क्या चाहिए, क्योंकि आप में से हर एक शख्स ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि बाल काटने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती है वो होती है कैंची और कंघी। लेकिन कुछ बार्बर थोड़ा हटकर होते हैं और उन्हें बाल काटने के लिए कैंची की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि वो तो बाल काटने के लिए एक लकड़ी काटने वाले सॉ का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जरा खुद ही नजर डाल लो। हमें पता है ये चीज देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन इसी तरह के खतरों से खेलते हुए ये अपने कस्टमर के बाल काटते हैं। हमें नहीं पता इनके कस्टमर इतना खतरा मोल लेकर इनके पास बाल कटवाने क्यों आते हैं, लेकिन आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि केवल नॉर्मल इंसान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े फुटबॉल सेलिब्रिटीज भी इनसे अपने बाल कटवाने पसंद करते हैं, जिसका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं। लकड़ी काटने वाले औजार से बाल कटते हुए तो आपने देख लिए, लेकिन तब क्या हो जब तलवार से ही कोई शख्स आपके बाल काटने लग जाए। हमें लगता है ये बात सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मानिए वियतनाम ऐसा सच में होता है, जहां पर न्यूगोयिन होंगांग हुंग नाम के एक बार्बर अपने कस्टमर के बाल कैंची छुरे से नहीं बल्कि सीधे तलवार से काटता है, और यही चीज के लिए ये पूरे देश में मशहूर है। हुंग बताते हैं इन्हें इस लेवल तक आने में पूरे 4 साल लगे, जिसमें इन्होंने इस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, जिसके साथ कुछ लोग कहते हैं कि शुरू में तो ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बाल तलवार से काटा करते थे। और अगर ऐसा है तो वाकई में इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ही हिम्मत वाले हैं जो इन्होंने अपने बाल इनके हवाले किए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने नकली बालों को काट कर प्रैक्टिस की थी। खैर, प्रैक्टिस के टाइम इन्होंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन इन्हें देखकर अभी लगता है कि वाकई इस चीज में इनका हाथ नहीं पकड़ सकता कोई भी। दोस्तों अब जरा इस शानदार बार्बर पर अपनी नजर डालिए, क्योंकि ये बार्बर कम और निंजा फाइटर ज्यादा लग रहा है। हम आपको बता दें अपनी शॉप पर आए हर कस्टमर को एक अलग तरीके से हेयर कट करके देते हैं, जिसमें ये बिल्कुल निंजा की तरह तलवार चलाकर अपने कस्टमर के बाल काटते हैं। हमें पता है आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये बचपना है, लेकिन हम आपको बता दें ये शख्स जिसका नाम अल्बर्टो है एक निंजा फाइटर है, और इन्होंने अपनी इस फाइटिंग स्किल को एक अलग ही काम में लगाने की सोची, जिसके बाद इन्होंने इससे लोगों के बाल काटने शुरू किए। हालांकि इनका यह तरीका काफी अतरंगी है, लेकिन ये एक मेडिकल तकनीक है। जिसमें बहुत ही पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाने वाली तलवार से लोगों को नया लुक देते हैं। और इनकी शॉप में केवल ये अकेले ऐसे नहीं है जो इस तरह बाल काटते हैं, बल्कि इनकी शॉप में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय इसी तरह बाल काटकर आपको शानदार लुक दे सकता है। अब तक आप लोगों ने कई तरह से बाल कटते हुए देखे, लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं उसे देखने से पहले हम आपको बता दें, इसे बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसे इस्तेमाल करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। जी हाँ, यहाँ पर बाल भी किसी और चीज से नहीं बल्कि कुल्हाड़ी से ही काटे जाते हैं। हमें पता है आपको ये सुनकर हैरानी हो रही है, इसीलिए आप जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, जहाँ पर आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये बार्बर कुल्हाड़ी से लोगों के बाल काट रहा है। दोस्तों इस बार्बर का नाम डेनियल है, जो हेयर कटिंग के फील्ड में कुछ नया करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने जिस कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटी जाती है उसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके बाल काटना शुरू कर दिए,
और अब ये इतने शानदार तरीके से बाल काटने लगे हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इनकी कुल्हाड़ी में एक अलग ही जादू हो, जिनके कस्टमर के बाल छूते ही खुद ब खुद कट जाते हैं। हमें तो इनके उन कस्टमर पर तरस आता है जो इनसे इस तरह के बाल कटवाने आते हैं, क्योंकि इनका ये तरीका वाकई बहुत अतरंगी है। अब ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि आग से खेलना कोई अच्छी बात नहीं होती, वो भी खास तौर पर तब जब आपके बालों में आग लगी हो, जो कि कभी भी आपके बालों को जलाकर राख कर सकती है और अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन अब हम आपको जिस बार्बर से मिलवाने वाले हैं उनकी बात ही निराली है, क्योंकि ये तुर्कीज बार्बर बहुत ही शानदार तरीके से अपने कस्टमर के बाल काटते हैं, जहां पर ये उनके बाल काटने के लिए एक फ्लेमेबल लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जो उनके बालों में जलता रहता है, जिसकी मदद से ये उनके बालों को और भी ज्यादा बेहतर शाइन और लुक दे पाते हैं। इनका कहना है कि स्टाइल बहुत ही पुराने समय में बाल काटने के लिए इस्तेमाल होता था, हालांकि अब इसका चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन सालों पहले आग से ही बाल काटे जाते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि आग से कटे हुए बालों के अंदर एक अलग तरह की शाइन आती है, और इसी चीज को ये भी अपनी हेयर स्टाइल लिस्ट में शामिल करते हैं, जिसे कटवाने के लिए काफी भारी मात्रा में लोग इनके पास आते हैं। बालों के कटने में हेयर सीजर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब बार्बर अपने हाथों का जादू दिखाते हैं तो वो सबसे पहले अपनी उंगलियां सीजर पर ही फिराते हैं, उसके बाद फिर कहीं जाकर वो अपने कस्टमर के बालों पर जादू कर पाते हैं। इसलिए सीजर का बिल्कुल धारदार और सटीक होना बहुत जरूरी है, जिस कारण हर सीजर बनाने वाली कंपनी ये चाहती है कि वो बेहतर से बेहतर सीजर बनाए, जिस वजह से हाल ही में एक शानदार सीजर बनकर तैयार हुई, जिसे देखकर तो कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि जब बार्बर इस सीजर से बाल काटते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक हाथ में कई सारी कैंचियां पकड़ रखी है, लेकिन ये कैंची बाकी कैंचियों की तरह ऑर्डिनरी है, बस इसके अंदर अलग अलग ब्लेड फिट है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बालों को एक अलग शेप देती है। दोस्तों, इन्हें बनाया इसलिए गया था कि ये बालों को परफेक्ट लुक दे सके। बस आपको इस कैंची से बाल कटवाने से पहले अपने बार्बर पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस कैंची का इस्तेमाल बहुत ही तेज रफ्तार में किया जाता है, ताकि काम बहुत जल्दी हो, और अगर जल्दी में आपका काम लग गया तो हमसे मत कहना। अगर आपको 6 साल की उम्र में सोशल मीडिया स्टार बनना है तो जाहिर सी बात है आपको उसके लिए काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस आपको अपनी उम्र का फायदा उठाकर एक अलग ही क्यूटनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग स्टीरियोटाइप से हटकर कुछ अलग करना चाहते हैं, तभी तो ये 6 साल का बच्चा सोशल मीडिया पर अपनी क्यूटनेस के लिए नहीं बल्कि अपनी हेयर कटिंग टेक्निक के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये बच्चा जब 4 साल का था तो इसने पहली बार अपने फादर, जो कि खुद बार्बर है, उन्हें बाल काटते हुए देखा, जिसके बाद इसने भी बाल काटने की जिद की और फिर इसके फादर ने इसे कैंची दी। उसके बाद जो हुआ वो सभी को हैरान करने वाला था, क्योंकि इस लड़के ने अपने बाल बहुत ही स्टाइलिश तरीके से खुद ही काट लिए, जिसे देखने के बाद इसके फादर ने इसे अपने सैलून में छोटा मोटा काम सिखाना शुरू कर दिया, और अब ये 2 साल से पूरी तरह ट्रेन हो गए हैं, जहां पर ये खुद किसी भी कस्टमर के बाल आसानी से काट देते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अब तक के सबसे छोटी उम्र के नाई हैं जो किसी का भी दिल जीत सकते हैं। वैसे तो आम बार्बर को बाल काटने के लिए एक कैंची काफी है, पर अब आप एक पाकिस्तानी नाई से मिलिए जो 1, 2 नहीं बल्कि 11 कैंचियों से बाल काटते हैं, और इनके बाल काटने का स्टाइल देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, क्योंकि ये सभी कैंचियों का इस्तेमाल एक साथ एक ही हाथ से करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल काम इन्होंने 15 साल की उम्र से सीखना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अभी इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं कि बड़े बड़े पाकिस्तानी सेलिब्रिटी इन्हीं से अपने बाल कटवाते हैं। वैसे अगर हम इनसे इनकी उपलब्धियों के बारे में पूछें तो ये हमसे एक ही चीज कहते हैं कि इन्हें अपने आप को एक लेवल तक का ट्रेन करना है, कि ये एक साथ कई सारी कैंचियों का इस्तेमाल करके बाल काट सकें, ताकि अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लें, जिसे सुनने के बाद वाकई में लगता है इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रति जो डेडिकेशन है वो काबिले तारीफ है। अब अंत में आप बोनस पॉइंट लीजिए, क्योंकि अब आप जिससे मिलने वाले हैं वो कोई बार्बर नहीं है बल्कि जोश नाम के कनाडा के रहने वाले कॉमेडियन है, और आज ये हमारी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी कॉमेडी के अंदाज से कुछ ऐसा नया इवेंट कर दिया जिसके बारे में शायद ही कोई सोच सकता था। अब ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हॉकी स्टिक से बाल काटने का नया आइडिया खोजा।
जहां पर ये दूर से बैठकर ही हॉकी स्टिक की मदद से अपने फादर के बाल काट रहे हैं। हालांकि ये तो इनकी कॉमेडी वीडियो थी, लेकिन वाकई इनका ये सोशल डिस्टेंसिंग का आइडिया किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। वैसे आपको क्या लगता है, इनका ये आइडिया काम करेगा या फिर इनकी कॉमेडी की तरह मात्र हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बाल कटवाने के ये नए तरीके काफी पसंद आए होंगे, और अगर हाँ तो आपका इसमें सबसे फेवरेट कौन सा बार्बर रहा, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।